तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम वायरल रील्स एडिटिंग का पार्ट 4 ले आए हैं। आजकल मेरे कमेंट सेक्शन में एक नाम बहुत ज्यादा फेमस रहता है, अली अब्दल। तो मेरे को बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि अली अब्दल की रील्स एडिटिंग पे ट्यूटोरियल लाओ। तो आज मैं इस वीडियो में स्टार्ट से लेकर एंड तक का पूरी एडिटिंग बताने वाला हूं। और इस एडिटिंग में हमें दो सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट। और इस वीडियो में जितना भी एसेट यूज होने वाला है, चाहे वो प्लगइन हो, पीएनजी हो, साउंड इफेक्ट्स हो, मैंने सबको फोल्डर फोल्डर मैनेज करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए है। आप वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हो और वो कंप्लीटली फ्री है। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैंने अपनी रील से साइलेंट पार्ट को रिमूव कर दिया है और ये मेरी 20 सेकंड की वीडियो है। मेरे को बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आप अपनी रॉ वीडियो भी हमें दे दिया करो, जिससे हम एडिटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, मैंने पूरा एक फोल्डर बना के दे दिया है, जिसमें इस वीडियो में जितने भी एसेट और प्लगइन्स यूज होने वाले वो सब दे दिए उसमें। तो आप उसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले कौन से वाले पार्ट को बनाने वाला हूँ वो दिखा देता हूँ आपको प्ले करके। तो ये पेपर टीयर हो रहा है और यहाँ पे बुक एनिमेशन है और ये टेक्स्ट इफेक्ट है। तो सबसे पहले हम इसको बनाने वाले हैं। तो हमारा पहला स्टेप ये है कि अपने माउस में लेफ्ट क्लिक प्रेस कर लेना और अपनी सारी वीडियो को ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेना। फिर आपको राइट क्लिक करना है और रिप्लेस विद आफ्टर इफेक्ट कंपोजिशन में क्लिक कर देना है। फिर आपका ये सेव एज वाला पैनल खुल जाएगा। तो आपने जहाँ पे प्रीमियर प्रो की फाइल सेव करी है इसको भी वहीं पे कर देना और इसको रीनेम कर देना। तो आप देख सकते हो कि हमारी पूरी वीडियो आफ्टर इफेक्ट में भी आ चुकी है। तो इसको करने से ये होगा कि आप आफ्टर इफेक्ट और प्रीमियर प्रो में दोनों सॉफ्टवेयर में एक साथ काम कर सकते हो और दोनों सॉफ्टवेयर में अपडेट होते रहेगा आप जो भी इफेक्ट एक सॉफ्टवेयर में करोगे। तो इसको बनाने के लिए हमको पहले अपनी वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ेगा। तो आप सिंपली अपनी वीडियो को सिलेक्ट करना और कंट्रोल डी प्रेस कर देना कीबोर्ड में, इससे इसका एक डुप्लीकेट बन जाएगा। तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए हम यूज करेंगे रोटो ब्रश को। लेकिन रोटो ब्रश को यूज करने से पहले आप एक चीज ये ध्यान रखना कि आपकी वीडियो का जो भी फ्रेम रेट है उसको आप चेक कर लेना पहले। फिर आपको यहाँ पे कंपोजिशन में आना है और कंपोजिशन सेटिंग्स में, और यहाँ पे चेक कर लेना कि आपका फ्रेम रेट सेम है कि नहीं। जैसे मेरी वीडियो 23.976 फ्रेम रेट में रिकॉर्ड हुई थी, पर यहाँ पे फ्रेम रेट 60 है। तो मैं इसको वापस चेंज कर देता हूँ 23.976। अगर आप इस स्टेप को नहीं करोगे तो आपका रोटो ब्रश होने में प्रॉब्लम आ सकती है। फिर आप अपने व्यू पोर्ट में डबल क्लिक कर देना और यहाँ से रोटो ब्रश सिलेक्ट करके अपने सब्जेक्ट का एक सिलेक्शन बना लेना। अगर आपको अपने सब्जेक्ट को और रिफाइन करना है तो आप यहाँ से जूम कर सकते हो। मैं इसको 50% में कर देता हूँ और स्पेस बार प्रेस कर रहोगे तो इससे हैंड टूल आ जाएगा। फिर आप स्क्रीन को मूव कर सकते हो और जो जो पार्ट बच गया है उसको सिलेक्ट कर लेना। और अगर आपको डी सिलेक्ट करना होगा तो सिंपली ऑल्ट प्रेस कर रहना, इससे रेड आइकन बन जाएगा और आप डी सिलेक्ट कर सकते हो। फिर मैं वापिस इसको नॉर्मल स्क्रीन साइज में कर देता हूँ और अब इसको हमको ट्रैक करना पड़ेगा। इस सॉफ्टवेयर में ट्रैक करना बहुत ईजी है। आपको सिंपली अपने टाइमलाइन प्लेहेड को लास्ट फ्रेम में आ जाना है अपनी वीडियो के और ये ऑटोमेटिकली ट्रैक कर देगा। तो आप देख सकते हो ये ट्रैक होने लग गया है। तो आप देख सकते हो याली वीडियो में मेरे 119 फ्रेम है, तो ये थोड़ा टाइम लेगा। आपकी वीडियो के हिसाब से ये टाइम लेगा। अगर आपकी वीडियो ज्यादा लंबी होगी तो ज्यादा टाइम लेगा, आपकी वीडियो छोटी होगी तो कम टाइम लेगा। तो हमारी ट्रैकिंग कम्प्लीट हो चुकी है। जब आपकी ट्रैकिंग कम्प्लीट हो जाए तो सिंपली इस फ्रीज आइकन में क्लिक कर देना, इससे आपका मास्क फाइनल हो जाएगा। तो हमारा फ्रीज कम्प्लीट हो चुका है। फिर आप सिंपली अपनी कम्पोजिशन में वापिस चले जाना और आप ये बैकग्राउंड वाली लेयर को हाइड करके देखोगे तो आपका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। फिर मैं यहाँ से क्वालिटी को फुल से क्वार्टर में कर देता हूँ ताकि मेरा आफ्टर इफेक्ट लैग ना करे। इसके बाद हमको पेपर टेयर ओवरले चाहिए होगा, तो मैंने पहले ही डाउनलोड कर दिया है। इसको मैं इम्पोर्ट कर लेता हूँ। इस प्रोजेक्ट के लिए हम यूज करने वाले हैं पेपर टेयर 15। तो मैं इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ और ये इम्पोर्ट हो चुका है। फिर इसको अपनी बैकग्राउंड वाली लेयर के ऊपर रख देना। तो हमारा पेपर टेयर ओवरले कुछ इस टाइप से है, मैं आपको प्ले करके दिखा। अगर आप लोगो डिजाइनर हो तो ये बुक आपको जरूर। तो ये बहुत स्लो रहा है, इसको फास्ट करने के लिए सिंपली आपको इसमें राइट क्लिक करना है और यहाँ पे टाइम में जाके एनेबल टाइम रिमैपिंग में क्लिक कर देना है। इसकी शॉर्टकट ही कंट्रोल ऑल्ट प्लस टी है। फिर आपको यहाँ पे दो की फ्रेम्स दिखेंगे, इनको आप जितना पास लाओगे आपकी वीडियो उतना फास्ट होगी। अगर आप लोगो डिजाइनर हो तो आप देख सकते हो ये पहले से और फास्ट हो गया है। इसको थोड़ा और फास्ट कर देते हैं अगर आप लोगो डिजाइनर हो, और ये परफेक्ट है। फिर इसको मेरे को स्केल करके अपनी स्क्रीन के हाफ तक लाना है, तो मैं सिंपली कीबोर्ड में एस प्रेस करूंगा, इससे स्केल आ जाएगा। फिर इसके साइज को इंक्रीज कर लूंगा और पी प्रेस करूंगा तो पोजीशन आ जाएगा। फिर मैं सिंपली इसको नीचे ड्रैग कर दूंगा। मैं इसको थोड़ा और स्केल कर लेता हूं। मैं इसको रख देता हूं 230 पे और पोजीशन से नीचे ले आता हूं, कुछ ऐसा। फिर इसको अपनी वीडियो में अप्लाई करने के लिए हमको ट्रैक मैट लगाना पड़ेगा। तो आप अपनी बैकग्राउंड वाली वीडियो के यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ट्रैक मैट लिखा होगा, सिंपली इसमें क्लिक कर देना और ल्यूमा मैट पेपर टेयर में क्लिक कर देना। तो इससे ये ब्लैक
ब्लैक एंड व्हाइट की वैल्यूज को लेगा और आपकी वीडियो में वो इफेक्ट आ जाएगा। आप देख सकते हो, मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। अगर आप लोगो डिजाइनर आप देख हो, तो ये बुक तो ये थोड़ा ज्यादा ही फास्ट हो रहा है, इसको थोड़ा स्लो कर लेते हैं। सिंपली की फ्रेम को थोड़ा सा आगे खिसका देना। अगर आप लोगो डिजाइनर हो तो ये परफेक्ट है। तो जब हमारा ये पेपर टेयर कम्प्लीट हो रहा है तो हमारी ये दोनों वीडियो नीचे पे को आएगी। उसको करने के लिए आपको सिंपली राइट क्लिक करके न्यू में क्लिक कर देना है और यहाँ से एक नल ऑब्जेक्ट ले लेना है। फिर इसको अपनी वीडियो के सबसे ऊपर रख देना और आपको बैकग्राउंड वाली वीडियो और बिना बैकग्राउंड वाली वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको एक पिक्विक आइकन दिखेगा। सिंपली इसको ड्रैग करके अपने नल ऑब्जेक्ट में रख देना, इससे ये दोनों वीडियो इसमें लिंक हो जाएगी। फिर आप नल ऑब्जेक्ट को मूव करोगे तो आपकी दोनों वीडियो साथ में मूव होगी। तो जहाँ पे आपका पेपर टेयर खत्म हो रहा है वहाँ पे की फ्रेम लगा देना और थोड़ा सा आगे जाके आप सिंपली इसको नीचे कर देना कुछ इतना। फिर आप शिफ्ट के साथ दूसरे वाले की फ्रेम को पकड़ लेना और कीबोर्ड में F9 प्रेस कर देना, इससे इजी लग जाएगा और आपकी एनिमेशन स्मूथ हो जाएगी। तो मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। अगर आप लोगो डिजाइनर हो तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का इफेक्ट बन चुका है हमारा। अगर आप लोगो डिजाइनर हो तो ये अब हमें बैकग्राउंड की जरूरत पड़ेगी। तो आप अली की वीडियो में देख सकते हो एक पेपर बैकग्राउंड है जो कि कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो यहाँ पे बैकग्राउंड मूव कर रहा है। इसको बनाने के लिए आपको सिंपली एक ब्लैक बैकग्राउंड चाहिए होगा, मैंने वो पहले ही डाउनलोड कर लिया है। आप ये टेक्सचर वाले फोल्डर में क्लिक करना और यहाँ से आ जाना स्टिल टेक्सचर में। फिर आपको यहाँ पे ब्लैक पेपर का फोल्डर दिखेगा, इसमें यहाँ पे 5 ब्लैक पेपर दिखेंगे। मैं यूज करने वाला हूँ 5th वाले को, तो मैं इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। तो हमारा बैकग्राउंड यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। फिर आपको सिंपली राइट क्लिक करना है और न्यू कंपोजिशन में क्लिक कर देना है और इसको नेम दे देना BG। फिर ओके में क्लिक करके आपको अपने बैकग्राउंड को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। और ये हॉरिजॉन्टल है तो इसको वर्टिकल करने के लिए आपको सिंपली कीबोर्ड में R प्रेस करना है, इससे रोटेशन खुल जाएगा और आपको 90 डिग्री कर देना है। फिर S प्रेस करके स्केल आ जाएगा और इसको अपने विंडो से थोड़ा बड़ा कर देना क्योंकि इसको हम एनिमेट करने वाले हैं। तो आपको R प्रेस करना है और यहाँ पे रोटेशन आ जाएगा। फिर Alt के साथ आपको इस क्लॉक आइकन में क्लिक करना है और आप यहाँ पे विगल सर्च कर लेना, फिर इसको एंटर क्लिक कर देना और आप डाल देना 1.05। तो आप प्ले करके देखोगे तो ये धीरे धीरे रोटेट हो रहा है। सेम ऐसे ही हमें पोजीशन में भी एक्सप्रेशन लगाना है, तो आप की प्रेस कर लेना और ऑल्ट के साथ इस क्लॉक आइकन में क्लिक करके विगल सर्च कर लेना और इसमें एंटर क्लिक करके यहाँ पे आपको वैल्यू डालनी है 1.50। तो आप प्ले करके देखोगे तो आप देख सकते हो आपका पेपर मूव कर रहा है। फिर आपको अपनी कंपोजिशन में वापस आ जाना है और सिंपली ये BG वाली कंपोजिशन को अपनी सारी वीडियोस के नीचे इसको रख देना। तो आप देख सकते हो हमारा बैकग्राउंड यहाँ पे आ चुका है। तो अगर हम अली की वीडियो देखें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक स्टॉप मोशन इफेक्ट है। तो उसको डालने के लिए आपको सिंपली इफेक्ट्स पैनल में चले जाना है और पोस्टराइज टाइम सर्च कर लेना है। फिर इसको अपने बैकग्राउंड वाली लेयर में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना और यहाँ से फ्रेम रेट को कर देना 2। फिर आप प्ले करके देखोगे मॉडर्निज्म, तो आप देख सकते हो हमारा बैकग्राउंड परफेक्टली बन चुका है। फिर मैं कंट्रोल S प्रेस करके सेव कर लेता हूँ। इसके बाद हमको चाहिए होगा एक टेक्सचर वीडियो। आप देख सकते हो यहाँ पे जो टेक्सचर है ये भी मैंने पहले ही डाउनलोड कर लिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे टेक्सचर्स में आना है और एनिमेटेड टेक्सचर्स में क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे टेक्सचर्स हैं। इस वीडियो के लिए मैं हाफ टोन टेक्सचर यूज करने वाला हूँ, तो मैं इसको भी सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ और इसको मैं सिंपली अपने बैकग्राउंड के ऊपर रख दूंगा। फिर इसको भी मैं R से 90 डिग्री रोटेट कर लेता हूँ और स्केल कर लेता हूँ अपने स्क्रीन साइज जितना। तो मैं इस टेक्सचर को यहाँ से यूज करने वाला हूँ। फिर इसके ब्लेंडिंग ऑप्शन को चेंज कर देता, मैं इसको रखने वाला हूँ मल्टीप्लाई पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लैक कलर का टेक्सचर आ रहा है, अली की वीडियो में व्हाइट है तो इसको इन्वर्ट कर देंगे। सिंपली इफेक्ट्स पैनल में जाके इन्वर्ट सर्च कर लेना और यहाँ से चैनल वाला इन्वर्ट अपनी वीडियो में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। फिर आप देख सकते हो ये टेक्सचर व्हाइट हो चुका है और सिंपली इसकी ओपेसिटी को कम कर देना। ओपेसिटी के लिए आपको टी प्रेस करना है, मैं ओपेसिटी को रख देता हूँ 20% पे। एबा मैं अपनी वीडियो हाइड करके आपको दिखा देता हूँ कि हमारा फाइनल बैकग्राउंड कैसा लग रहा है। अगर आप लोगो डिजाइनर हो तो ये बुक आपको जरूर लेनी चाहिए। आप इस टेक्सचर की ओपेसिटी को अपने हिसाब से भी कम ज्यादा कर सकते हो, मैं इसको 25 में ही रख दे रहा हूँ। फिर इसके बाद हम बनाने वाले हैं इस बुक एनिमेशन को। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 4 बुक है और इसमें हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसमें सिंपली पोजिशन और रोटेशन में की फ्रेम लगाना है। तो मैं अपनी बुक PNG को ले आता हूँ, तो मैं यूज करने वाला हूँ याली बुक PNG को। मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। फिर मैं इस बुक PNG एनिमेशन के लिए भी एक न्यू कम्पोजिशन लूंगा, तो मैं राइट
क्लिक करके न्यू कंपोजिशन ले लेता हूँ और इसको रीनेम कर देता हूँ बुक एनिमेशन और सिंपली यहाँ पे बुक ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। फिर मैं यहाँ पे अपनी बुक एनिमेशन कंपोजिशन को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ और इसको अपनी दोनों वीडियो के नीचे रख देता हूँ। तो मैं सिंपली इसमें पोजिशन में पी प्रेस करूंगा और इसको थोड़ा ऊपर ले आता हूँ तो हमारी बुक कुछ इतने में है। तो मैं एस प्रेस करके इसके साइज को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। मैं इसको रख देता हूँ 90 पे और यहाँ पे मेरे को परफेक्ट लग रही है। तो एक बार देख लेते हैं एनिमेशन कहाँ पे से स्टार्ट हो रही है। तो जैसे ही पेपर टेयर खत्म हो रहा है ये एनिमेशन स्टार्ट हो जा रही है यहाँ पे से। तो मैं इसको सिंपली राइट क्लिक करके रीनेम कर लूंगा और मैं इसको नेम दे देता हूँ बुक 1 और मैं इसकी 4 कॉपी बना लेता हूँ Ctrl D। तो सबसे पहले मैं चारों बुक को सिलेक्ट कर लूंगा शिफ्ट के साथ और पी प्रेस करके पोजीशन ले आऊंगा और मैं की फ्रेम लगा दूंगा। तो मैं एक में की फ्रेम लगाऊंगा तो सब में लग जाएगा। फिर मैं सिंपली R प्रेस करके रोटेशन ले आऊंगा और इसमें भी की फ्रेम लगा दूंगा और फाइनली S प्रेस करके स्केल में भी की फ्रेम लगा दूंगा। फिर मैं अपने टाइमलाइन प्लेहेड को थोड़ा सा आगे ले जाके सिंपली बुक को मूव करूंगा और रोटेट करूंगा थोड़ा सा कुछ इस टाइप से। तो आपको चारों बुक को ऐसे ही मूव कर लेना है और इसमें कुछ बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल की फ्रेम एनिमेशन है। तो हमारी पोजीशन फाइनल हो चुकी है और आप सिंपली बुक का प्लेसमेंट एक बुक के नीचे एक को रख देना, सबसे ऊपर ये रहेगी, फिर इसको नीचे कर देना कुछ इस टाइप से। तो अगर आपको मैं प्ले करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो हमारी एनिमेशन कुछ ऐसे लग रही है। इसको स्मूथ करने के लिए आप सारी की फ्रेम्स को पकड़ लेना और F9 प्रेस कर देना। तो मैं आपको प्ले करके दिखाता हूं कुछ ऐसा लग रहा है। अगर आपकी एनिमेशन स्लो हो रही होगी, मेरे को बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हमारी एनिमेशन फास्ट नहीं हो रही है, तो अगर आपकी एनिमेशन फास्ट नहीं हो रही होगी तो शिफ्ट के साथ ड्रैग करना, सारी की फ्रेम्स को पकड़ना और आप इनको पास ले आना थोड़ा, आप जितना पास रखोगे उतनी फास्ट एनिमेशन होगी, आप देख सकते हो। फिर हम अपनी मेन कंपोजिशन में आ जाते हैं और अगर आप यहाँ प्ले करके देखोगे, अगर आप लोगो डिजाइनर हो तो ये कुछ इस टाइप के एनिमेशन लग रही है। इसको मैं थोड़ा सेंटर अलाइन कर लेता हूँ, मैं पी प्रेस करके परफेक्टली सेंटर में ले आता हूँ और इसको परफेक्टली एडजस्ट कर लेता हूँ। तो हमारी एनिमेशन अगर आप लोगो डिजाइनर परफेक्टली तो काम कर रही है। फिर इसके बाद आ जाता है ये मेन टेक्स्ट। तो आप देखोगे इसमें एक एनिमेशन सा है। ये टेक्स्ट भी मैंने कम्प्लीटली फ्री में ढूंढ लिया है। आपको सिंपली यूट्यूब एसेट्स वाले फोल्डर में आ जाना है और यहाँ पे एनिमेटेड लेटर्स का एक फोल्डर बना होगा। इसमें आप देख सकते हो ये सारे टेक्स्ट एनिमेटेड है। तो हमें जिस जिस टेक्स्ट की जरूरत पड़ेगी उसको हम इम्पोर्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ हमको बुक क्लब लिखना है तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ BOOKTLU और B हमने सिलेक्ट कर लिया था। तो इस टेक्स्ट एनिमेशन को भी बनाने के लिए हम न्यू कंपोजिशन क्रिएट कर लेंगे। राइट क्लिक न्यू कंपोजिशन और मैं सिंपली इसको बुक क्लब नेम कर देता हूँ और मैं यहाँ अपने टेक्स्ट को इम्पोर्ट कर लेता हूँ BO। एक और O चाहिए तो Ctrl D से डुप्लीकेट कर लूंगा और सिंपली K, फिर CLU और वापिस B चाहिए तो Ctrl D प्रेस करूंगा और इसको लास्ट में ले आऊंगा। फिर मैं सबको सिलेक्ट करके S प्रेस कर लेता हूँ और इनका साइज बहुत ज्यादा है तो मैं इनको छोटा कर लूंगा। मैं इनको 10 करके देखता हूँ तो मेरे को 10 में परफेक्ट लग रहे हैं। फिर इसमें ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत है नहीं, आपको सिंपली पोजीशन में जाना है और इनको एक के बगल में एक रख देना है। सेम ऐसे ही ओ में भी पी प्रेस करके पोजीशन में आ जाना। तो मेरे को इनका साइज अभी भी बड़ा लग रहा है, ये मेरी पूरी स्क्रीन में नहीं आ रहे, तो मैं सबको सिलेक्ट करूंगा, एस में जाऊंगा और मैं इसका साइज 7 कर देता हूँ। फिर सबको वापिस अलाइन कर लूंगा। तो आप देख सकते हो हमारा टेक्स्ट अलाइनमेंट हो चुका है। मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो इसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये पहले से ही एनिमेटेड है। फिर हम अपनी कंपोजिशन में वापस चले जाते हैं और इस बुक क्लब कंपोजिशन को अपनी वीडियो के नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना, फिर इसको पोजीशन से थोड़ा स्केल कर लेना और इसके ब्लेंडिंग ऑप्शन को स्क्रीन कर देना और इसको मैं थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ। सिंपली एस प्रेस करूंगा और पी प्रेस कर इसका पोजीशन सेट कर लेता हूँ। तो अब मेरे को परफेक्ट लग रहा है। मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ हमारी वीडियो अभी तक कैसी बन चुकी है। अगर आप लोगो डिजाइनर तो ये बुक आपको तो ये एनिमेशन हमारी बुक क्लब की एनिमेशन बहुत स्लो रही है, इसको भी फास्ट करने का सेम तरीका है। आपको राइट क्लिक करके टाइम में चले जाना है और यहाँ से एनेबल टाइम रिमैपिंग पे क्लिक कर देना है, फिर आप ये लास्ट वाले की फ्रेम को पकड़ना और सिंपली इसको ड्रैग कर देना आगे को। तो आप प्ले करके देखना अगर आप लोगो डिजाइनर हो तो ये बुक आप और ये अब मेरे को इफेक्ट परफेक्ट लग रहा है। फिर हमको एक नॉर्मल सा टेक्स्ट लिख लेना है यहाँ पे बुक क्लब के ऊपर सीरीज। तो टेक्स्ट की शॉर्टकट की है Ctrl+T। मैं अपनी स्क्रीन को थोड़ा जूम कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सीरीज। फॉन्ट में यूज करने वाला हूँ मॉम्स टाइपराइटर और इसके साइज को थोड़ा छोटा कर देना। तो अब ये परफेक्ट लग रहा है। फिर यहाँ पे सिंपली अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके पी प्रेस कर देना और इसको अपने हिसाब से अलाइन
कर देना। अगर आप लोगो डिजाइनर हो तो ये बुक आपको जरूर लेनी चाहिए। तो अभी हमारी बुक एनिमेशन बहुत ज्यादा स्मूथ हो रही है, इसको भी एक स्टॉप मोशन इफेक्ट देने के लिए हम पोस्टराइज टाइम सर्च करेंगे, पोस्टराइज टाइम, और इसको अपनी बुक एनिमेशन वाली कंपोजिशन में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे और यहाँ से फ्रेम रेट को कर देंगे 12। अगर आप लोगो डिजाइनर हो तो ये बुक, फिर मैं आपको प्ले करके दिखाऊं तो अब आप देख सकते हो अगर आप लोगो डिजाइनर एक स्टॉप मोशन टाइप इफेक्ट बन रहा है। अगर आप लोगो डिजाइनर हो तो ये बुक आपको, फिर कंट्रोल एस प्रेस करके सेव कर लेना। आप जैसे जैसे काम करते रहोगे सेव कर लेना, नहीं तो आपकी फाइल भी जा सकती है, इन सॉफ्टवेयर्स का कुछ भरोसा नहीं है। तो अब हम बनाने वाले हैं अगले वाले इफेक्ट को। तो इसको बनाने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे बुक आ रही है और फिर ये पेपर एनिमेशन है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बुक आ रही है, तो बुक की एनिमेशन तो इजी है, सिंपल की फ्रेम है, लेकिन ये जो पेपर कट कट के आ रहे हैं इसके लिए आपको एक प्लगइन की जरूरत पड़ेगी। वो प्लगइन भी मैंने एक फोल्डर में दे दिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे पेपर जैम प्लगइन दिखेगा, तो इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेना। फिर आपको यहाँ पे विंडोज में आ जाना है और आप यहाँ पे देख सकते हो 3dpaperjam.jsx दिख रहा होगा आपको। ये कोई बहुत ज्यादा बड़ा प्लगइन नहीं है, ये छोटा सा ही प्लगइन है। इसमें हमको सिंपल 4 इफेक्ट मिलते हैं पेपर के और ये आपकी नॉर्मल सी जेपेग को फोल्ड कर सकता है। तो हम यहाँ से इफेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। उस इफेक्ट को स्टार्ट करने से पहले आप एक न्यूज़पेपर की ट्रांजिशन ले आना, वो भी उसी फोल्डर में मिल जाएगा आपको। यहाँ पे सिनेपैक 3 पेपर एफेक्ट्स में आ जाना। फिर यहाँ पे आपको 2 फोल्डर मिल जाएंगे, दोनों फोल्डर में 2-2 इफेक्ट है और इनमें साउंड भी मिल जाता है हमको, तो आपको अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं है। इस प्रोजेक्ट के लिए मैं वाइप 05 यूज करने वाला हूँ, तो सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। फिर इसको अपनी वीडियो के सबसे ऊपर वाली लेयर में रख देना और जहाँ से आपको इफेक्ट शुरू करना है वहाँ पे इसको ले आना। तो मैं इसको प्ले करके दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पे से हम अपने पहले वाले इफेक्ट को खत्म कर देते हैं। तो मैं सिंपली कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करूंगा, इससे यहाँ पे कट लग जाएगा और आप एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर सकते हो। तो ऐसे ही मैं बुक एनिमेशन वाली को भी कंट्रोल शिफ्ट डी से डिलीट कर दूंगा। तो अब हमारा बैकग्राउंड वाली वीडियो बच चुकी है, तो बैकग्राउंड को मैं डिलीट नहीं करूंगा। बैकग्राउंड के लिए मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करके पी प्रेस करूंगा और पोजीशन में की फ्रेम लगा दूंगा और थोड़ा सा की फ्रेम आगे करके इसको मैं न्यूज़पेपर के साथ ही नीचे को ले आऊंगा, ताकि मेरे को बाद में जब जरूरत पड़े तो मैं बैकग्राउंड को वापस यूज कर सकूं, कुछ ऐसा। और मैं अपनी याली वीडियो को सिलेक्ट करके दोनों को छोटा कर दूंगा। तो आप देख सकते हो जब ये न्यूज़पेपर वाली ट्रांजिशन हो रही है तो हमारा बैकग्राउंड सब कुछ रिमूव हो जा रहा है। फिर हमको यहाँ पे ऐसा बैकग्राउंड चाहिए होगा, तो इसको बनाने के लिए आपको सिंपली राइट क्लिक करना है, न्यू में जाना है और यहाँ से सॉलिड ले लेना है। फिर आप कलर अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, मेरे को यही कलर ठीक लग रहा है तो मैं सिंपली ओके में क्लिक कर दूंगा और आप देख सकते हो हमारा बैकग्राउंड बन चुका है। और इसमें हमने वो हाफ टोन टेक्सचर पहले ही ऐड कर दिया था, तो इसमें वो आ चुका है। तो मैं अपनी वीडियोस को इस बैकग्राउंड के नीचे पे को ले आता हूँ। तो हमारा हाफ टोन टेक्सचर आप देख सकते हो यहाँ पे से चेंज हो जा रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए सिंपली अपने हाफ टोन टेक्सचर को सिलेक्ट करना, कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करना और एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर देना। फिर इस लेयर को कंट्रोल डी प्रेस करके डुप्लीकेट कर लेना और सिंपली यहाँ पे खिसका के इसको आगे रख देना। फिर आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू कंपोजिशन बना लेनी है और इसको नाम दे देना बुक पेपर फोल्ड एनिमेशन। और यहाँ हमने बुक की पीएनजी पहले ही इम्पोर्ट कर ली थी, तो उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। और मैं बाकी की पीएनजीज भी ले आता हूँ जो जो इस प्रोजेक्ट में लगने वाली है। तो मैं सारी पीएनजीज को एक बार में ही इम्पोर्ट कर लेता हूँ जो जो इस प्रोजेक्ट में यूज होने वाली है। तो हम अली की रील देख लेते हैं एक बार, कहाँ पे किसको प्लेस करना है। तो हमको कुछ इस टाइप का इफेक्ट बनाना है। सबसे पहले बुक को स्केल कर लेता हूँ मैं कुछ इतना, फिर यहाँ से इस लीव को ले आऊंगा और इसको भी स्केल कर लेता हूँ छोटा करके पी से पोजीशन, और ये थोड़ा रोटेट भी है तो इसको थोड़ा रोटेट कर लेते हैं। फिर हमें एक कंप्यूटर को ले लेना है और इसको स्केल और पोजीशन से एडजस्ट कर लेना है। तो मैं सारी पीएनजीज को ऐसे ही एडजस्ट करके आपको सीधे वहीं पे मिलता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने अपनी सारी पीएनजीज को अलाइन कर दिया है। मैं इसको उल्टा एनिमेट करने वाला हूँ। मैंने पहले वाला फ्रेम बना लिया है जहाँ पे इनको आना है, अब मैं वाला फ्रेम बनाऊंगा जहाँ से एनिमेशन स्टार्ट होगी। आप चाहो तो इसको सीधा भी कर सकते हो, आप पहले वहां पे रख देना पीएनजी को स्टार्टिंग पॉइंट पे और फिर एंड पॉइंट एनिमेट कर लेना। और मैंने इनकी रीनेमिंग भी कर दी है ताकि मेरे को एनिमेट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं सबसे पहले इस बुक को एनिमेट करने वाला हूँ। तो मैं अपनी बुक को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ से स्केल पोजीशन और रोटेशन में की फ्रेम लगा देता हूँ। फिर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा जहाँ से मेरे को एनिमेशन स्टार्ट करनी है और मैं इसको पहले छोटा कर लूंगा और मैं एक बार रेफरेंस देख लेता हूँ कि ये एनिमेशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो मेरे को कुछ इस टाइप का स्टार्टिंग पॉइंट बनाना है। तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप की एनिमेशन बन चुकी है हमारी। तो इस एनिमेशन को एक स्टॉप मोशन वाला इफेक्ट देने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे की फ्रेम लगा देना है और एक और इक्वल डिस्टेंस में 4 की फ्रेम लगा दिए मैंने, और चारों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है और यहाँ से टॉगल होल्ड की फ्रेम पे क्लिक कर देना है।
सेम ऐसा ही पोजीशन में भी करना है आपको, और चारों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक टॉगल होल्ड की फ्रेम, सेम ऐसा ही स्केल में भी करना है आपको, और चारों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक टॉगल होल्ड की फ्रेम, फिर आप लेकर के देखोगे तो आप देख सकते हो एक स्टॉप मोशन इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो जब आपकी बुक की पोजिशनिंग हो जा रही है उसके बाद आ रहे हैं आपके बाकी के PNGs, तो आपको सारी लेयर्स को सिलेक्ट कर लेना है एक साथ, जितनी भी PNGs को आपको मूव करना है और सिंपली यहाँ पे रख देना है। तो पहले आपकी बुक आएगी फिर आपकी PNGs आएंगी। तो अब मेन बात कर लेते हैं इनको एक पेपर कटआउट वाला इफेक्ट कैसे देना है। उसके लिए मैं सबसे पहले कंप्यूटर वाली PNG को सिलेक्ट कर लेता हूं, और मैं यहाँ से पेपर जैम प्लगइन में सेकंड वाले इफेक्ट में क्लिक कर दूंगा। तो आपको जहां से इफेक्ट स्टार्ट करना है वहां पे अपना टाइमलाइन प्लेहेड ले आना, और सिंपली आप देख सकते हो हमको यहाँ पे बहुत सारे कंट्रोल्स और इफेक्ट्स मिल जाते हैं। आप पूरा इस पेपर टेयर को अपने हिसाब से बना सकते हो, आप यहाँ से सेगमेंट्स भी इंक्रीज कर सकते हो, और इसको एनिमेट करने के लिए यहाँ से कंप्लीट की वैल्यू दी है। मैं इसको पहले 100 में करके की फ्रेम लगा देता हूँ, और अपने टाइमलाइन प्लेहेड को थोड़े से आगे ले जाके मैं इसको वापस 0 पे कर देता हूँ। तो एनिमेशन बहुत ज्यादा फास्ट हो रही है इसलिए दिख नहीं रहा है। तो आपको सिंपली यहाँ इफेक्ट में क्लिक कर देना है, फिर यहाँ से आपको 3D जैम में क्लिक कर देना है, और आपको यहाँ पे की फ्रेम दिखेंगे इनको थोड़ा दूर रख देना। तो आप देख सकते हो ये पेपर कैसे कटआउट होके आ रहा है। इसको आप अपने अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हो, और आप एकदम इस रील जैसा भी बना सकते हो, बस इसमें आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो मैं प्ले करके दिखा देता हूँ, अभी भी ये बहुत फास्ट हो रहा है, इसको थोड़ा और दूर रख देते हैं। अब मेरे को ये परफेक्ट लग रहा है। अब हम इस लीव को एनिमेट कर लेते हैं। तो इस लीव में हम ये थर्ड वाले इफेक्ट को लगाने वाले हैं। मैं सिंपली सिलेक्ट कर लेता हूँ, और अपने टाइमलाइन प्लेहेड को स्टार्टिंग में ले आता हूँ। फिर यहाँ से आपको फोल्डिंग एंगल को कर देना है -90 degrees, और सेम कंप्लीट में की फ्रेम लगा देना है, और यहाँ से वैल्यू इंक्रीज करके कर देना है 100, और अपने टाइमलाइन प्लेहेड को आगे ले जाके इसको कर देना वापस 0। तो ये सेम एनिमेशन बहुत फास्ट हो रही है। इसको स्लो करने के लिए आपको इस एरो में क्लिक कर देना है, फिर इफेक्ट्स में जाना है, फिर 3D पेपर जैम में, और यहाँ पे आप की फ्रेम्स देख सकते हो। तो अब मेरे को ये परफेक्ट लग रहा है। फिर सेम ऐसे ही हम इस ऑस्ट्रिच वाली लेयर में भी लगा देते हैं। इसमें मैं फर्स्ट वाला इफेक्ट लगाने वाला हूँ। मैं अपने टाइमलाइन प्लेहेड को फर्स्ट फ्रेम में ले आऊंगा, और यहाँ से कंप्लीट को कर दूंगा 100, और इस क्लॉक आइकन में क्लिक करके की फ्रेम लगा दूंगा, फिर अपना टाइमलाइन प्लेहेड आगे लाके इसको वापस 0 कर दूंगा। फिर अब इस पाम ट्री को भी एनिमेट कर लेते हैं। पाम ट्री में मैं फोर्थ वाला इफेक्ट यूज करने वाला हूँ। सेम आपको अपने टाइमलाइन प्लेहेड को फर्स्ट फ्रेम में ले जाना है, और फिर कंप्लीट में की फ्रेम लगा के इसको कर देना 100, और फिर थोड़ा आगे जाके इसको कर देना 0। तो मैं आपको प्ले करके दिखाऊं तो हमारी एनिमेशन कुछ ऐसी लग रही है। फिर फाइनली बच जाता है ये पेपर एनिमेशन। ये जो मनी एनिमेशन हो रही है ये भी बहुत इजी है, जैसे हमने बुक की एनिमेशन करी थी सेम ऐसे ही ये भी होगी। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने अपनी एनिमेशन को कंप्लीट कर लिया है। और इस एनिमेशन को और स्मूथ बनाने के लिए आप शिफ्ट के साथ सारे की फ्रेम्स को पकड़ लेना, और सिंपली F9 प्रेस कर देना। ऐसे ही मैं रोटेशन, स्केल और पोजीशन के की फ्रेम्स को इजी इन कर देता हूँ। तो मैं आपको प्ले करके दिखाऊं, तो आप देख सकते हो हमारे इफेक्ट कुछ इस टाइप का लग रहा है। तो अब चलते हैं अपनी मेन कंपोजिशन में, और यहाँ से अपनी पेपर फोल्ड एनिमेशन को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। तो इसको मैं अपनी ट्रांजिशन के नीचे वाली लेयर में रख देता हूँ। तो अगर आप स्टार्टिंग वाले की फ्रेम में जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड आ रहा है। तो इसमें सिंपली की फ्रेम लगा देना, पी प्रेस करके पोजीशन आएगा, फिर की फ्रेम लगा देना, और इसको सिंपली अपने अपने मेन फ्रेम से नीचे पे को ले आना इसको। तो अभी हमारा बैकग्राउंड ठीक है। फिर आपको जहाँ से वापिस चाहिए अपना बैकग्राउंड वहाँ पे लाना, एक और की फ्रेम लगा देना, और सिंपली इसको वापिस ऊपर ले आना कुछ ऐसे। तो अगर आपको मैं प्ले करके दिखाऊं, अगर आप लोगो डिजाइनर हो तो ये बुक आपको जरूर लेनी चाहिए। बुक का नाम है लोगो मॉडर्निज्म। इस बुक में आपको 400 से भी ज्यादा पेजेस देख सकते हो। हमारा इफेक्ट कुछ इस टाइप का बन चुका है। मैं सिंपली वाली कंपोजिशन को थोड़ा स्केल और पोजीशन कर लेता हूँ। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है क्योंकि ये सारे इफेक्ट्स बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और आप लोगों के ही कमेंट आ रहे थे कि अली अब्दुल की एडिटिंग पे वीडियो बनाओ। तो ये वीडियो पूरी एंड तक जरूर देखना। तो अभी ये बुक स्टिल है, इसमें मूवमेंट डालने के लिए आपको सिंपली इफेक्ट्स पैनल में चले जाना है, और यहाँ पे वीगल सर्च कर लेना, फिर यहाँ पे वीगल पोजीशन होगा, सिंपली इसको अपनी लेयर में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। तो अभी बहुत ज्यादा मूवमेंट हो रहा है। मॉडर्निज्म इस बुक में आपको इसको सिंपली कंट्रोल करने के लिए आप यहाँ से वीगल अमाउंट को कम कर सकते हो। मैं इसको 10 कर देता हूँ। मॉडर्निज्म इस बुक में आपको 400 से भी ज्यादा पेजेस देख 10 में ये मेरे को परफेक्ट लग रहा है। मैं इसके साइज को भी थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये थोड़ा बड़ा हो गया है कुछ इतना। मॉडर्निज्म इस बुक में आपको 400 से अब ये मेरे को परफेक्ट लग रहा है। तो अब मेरे को यहाँ से अपनी वीडियो
वापस चाहिए ऊपर को, तो मैं अपनी लेयर को ऊपर ले आता हूँ और मैं इसकी कंट्रोल डी प्रेस करके कॉपी बना लूंगा। फिर मैं इस लेयर में भी डबल क्लिक करके सिंपली रोटो ब्रश लेके अपना सिलेक्शन बना लूंगा। एक बार मैं इसको जूम करके चेक कर लेता हूँ कि सही बना है कि नहीं सिलेक्शन, तो अभी मेरे को परफेक्ट लग रहा है। फिर मैं सिंपली लास्ट फ्रेम में चले जाऊंगा और ये अपने आप ट्रैक करने लग जाएगा। तो हमारी वीडियो ट्रैक हो चुकी है, अब मैं सिंपली इसको फ्रीज कर देता हूँ। तो मेरी वीडियो पूरी ट्रैक हो चुकी है, मैं वापस अपनी कंपोजिशन में चले जाता हूँ और मैं अपनी बैकग्राउंड वाली वीडियो को हाइड कर लेता हूँ। तो मैं अपनी वीडियो के स्टार्टिंग फ्रेम से थोड़ा सा आगे आके पोजीशन में की फ्रेम लगा दूंगा और स्टार्टिंग फ्रेम में आके अपनी वीडियो को नीचे को ड्रैग कर दूंगा कुछ इस टाइप से, और दोनों की फ्रेम्स को पकड़ूंगा और F9 प्रेस कर दूंगा। फिर मैं बैकग्राउंड वाली लेयर को सिलेक्ट करूंगा और मैं सिंपली T प्रेस करूंगा, इससे ओपेसिटी आ जाएगा। फिर यहाँ पे की फ्रेम लगा के इसको 0 कर दूंगा और थोड़ा सा आगे टाइमलाइन प्लेट को ले जाके इसको 100 कर दूंगा और सेम शिफ्ट के साथ दोनों की फ्रेम पकड़ के F9 प्रेस कर दूंगा। तो अगर मैं आपको प्ले करके दिखाऊं तो हमारा इफेक्ट कुछ इस टाइप का लग रहा है। मॉडर्निज्म इस बुक में आपको चार, मैं थोड़ा सा की फ्रेम आगे कर देता हूं, तो आप देख सकते हो पहले हमारी वीडियो ऊपर को आ रही है और फिर हमारा बैकग्राउंड आ जा रहा है। मॉडर्निज्म इस बुक में आपको 400 से भी ज्यादा पेजेस देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको 6। तो मेरे को अपनी याली वीडियो को यहीं तक रखना है, फिर मैं वापस इसको नीचे चले जाए चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको सिंपली की फ्रेम्स को कॉपी कर लेना है, शिफ्ट के साथ दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस सी से कॉपी कर लेना और अपने टाइमलाइन प्लेहेड को वहां रख देना जहां आपको की फ्रेम पेस्ट करने हैं और कंट्रोल वी प्रेस कर देना। तो आप देख सकते हो कि हमारा की फ्रेम आ चुका है। फिर इसको रिवर्स करने के लिए राइट क्लिक करना, की फ्रेम असिस्टेंट में जाना और यहाँ से टाइम रिवर्स की फ्रेम में क्लिक कर देना। सेम ऐसे ही ओपेसिटी वाले भी पकड़ लेना, कंट्रोल सी से कॉपी और इनको पेस्ट करके कुछ इस तरीके से खिसका देना। फिर इनको भी राइट क्लिक, की फ्रेम असिस्टेंट, टाइम रिवर्स की फ्रेम। तो हमारा इफेक्ट अभी कुछ इस टाइप का बन गया है। फिर यहाँ से इस बैकग्राउंड और इस लोगो मॉडर्निज्म वाली लेयर को कट कर देना। तो मैं लेयर सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करूंगा और सिंपली इसको डिलीट कर दूंगा। तो मैं इसको यहीं से हटा देता हूँ। सेम ऐसे इस बैकग्राउंड को भी कंट्रोल शिफ्ट डी से डिलीट कर दूंगा और जो हमारा पेपर बैकग्राउंड था मैं सिंपली उसको वापिस ऊपर ले आऊंगा। तो मैं की फ्रेम लगा देता हूँ और थोड़ा सा आगे करके मैं इसको ऊपर ले आता हूँ कुछ इस टाइप से। तो आप देख सकते हो हमारा पेपर बैकग्राउंड आ चुका है। एक बार मैं प्ले करके देख लेता हूँ। इस बुक में आपको 400 से भी ज्यादा पेजेस देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको 6000 से। तो ये एनिमेशन कुछ ज्यादा ही फास्ट हो रही है। इसको थोड़ा सा स्लो करने के लिए सेम की फ्रेम्स को थोड़ा आगे आगे कर देना। तो आप प्ले करके देखते हैं, 400 से भी ज्यादा पेजेस देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको 6000। तो यहाँ पे मैं वापस एनिमेटेड पेपर को डालने वाला हूँ, तो मैं सिंपली इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो इस बार मेरे को 6000 प्लस लिखना है, तो मैं वो ले लेता हूँ 6, यहाँ से पी यू एस एल और 0, तो मैं इनको इम्पोर्ट कर लेता हूँ। फिर मैं वापिस एक न्यू कम्पोजिशन बना लूंगा और इसका नाम रख दूंगा मैं 6000 प्लस, और मैं यहाँ पे अपने लेटर्स को ले आता हूँ और मैं इसकी कंट्रोल डी डी करके 3 कॉपीज बना लूंगा। फिर मैं ले आता हूँ पी एल यू एस और मैं सबको सिलेक्ट करके एस प्रेस कर दूंगा और इनका स्केल करके 7 कर देता हूँ। फिर मैं वापिस सबको सिलेक्ट करूंगा, पी प्रेस करूंगा और इनको अलाइन कर दूंगा। फिर मैं वापिस अपनी मेन कम्पोजिशन में आ जाता हूँ और मैं याली कंपोजिशन को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा सबसे ऊपर, और मैं सेम इस लेयर का भी ब्लेंडिंग ऑप्शन स्क्रीन कर दूंगा और इसको पी से पोजीशन कर लेता हूँ। तो मैं मिडिल में ले आता हूँ और एस से स्केल कर लेता हूँ। फिर मैं वापस इसमें भी राइट क्लिक करूंगा, टाइम में जाऊंगा और एनेबल टाइम रिमैपिंग को क्लिक कर दूंगा और इस लास्ट वाले की फ्रेम को थोड़ा सा आगे ले आऊंगा ताकि ये एनिमेशन फास्ट हो जाए। तो हमारा इफेक्ट अभी कुछ ऐसा लग रहा है, ये हमारा टेक्स्ट ओपन हो रहा है। तो जब मैं नीचे पे को जा रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ एक PNG यहाँ से ऊपर आए, मैं PNG इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैं ये बुक वाली PNG को लाने वाला हूँ, तो मैं यहाँ से एक न्यू कम्पोजिशन बना लेता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ बुक स्लाइड। फिर इसमें अपनी PNG को ले आऊंगा और एस प्रेस करके स्केल से इसको छोटा कर लूंगा और इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपली यहाँ से विंडो में जाके पेपर जैम प्लगइन को ओपन कर लूंगा, 3D पेपर जैम, और मैं ये थर्ड वाला इफेक्ट यूज करने वाला हूँ इसमें। फिर मैं यहाँ से स्टार्टिंग में की फ्रेम लगा के इसको कर दूंगा 100 और थोड़ा सा आगे लाके कंप्लीट को कर दूंगा 0। तो हमारी बुक कुछ ऐसे ओपन होगी। फिर मैं अपनी मेन कंपोजिशन में चले जाऊंगा और सिंपली बुक स्लाइड कंपोजिशन को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा सबसे ऊपर और इसको मैं आगे खिसका दूंगा, थोड़ा सा और आगे कर देता हूँ मैं इसको कुछ इस टाइप से जाते हैं, जिसमें आपको 6000। तो ये थोड़ी स्लो हो रही है एनिमेशन, मैं इसको फास्ट करने के लिए सिंपली यहाँ एरो में क्लिक कर दूंगा, इफेक्ट्स 3D पेपर जैम और यहाँ
यहाँ से इस की फ्रेम को थोड़ा पास ले आऊंगा, तो आप प्ले करके देख जाते हैं जिसमें आपको 6000 परफेक्ट हो रही है। फिर जब यहाँ से मैं नीचे जा रहा हूँ तो मैं एक और PNG को ऊपर लाने वाला हूँ, उसको भी इम्पोर्ट कर लेता हूँ मैं ये वाली। तो इसको डायरेक्टली रख देता हूँ मैं यहाँ पे अपनी बुक स्लाइड के नीचे और इसको मैं छोटा कर लेता हूँ कुछ इतना। फिर मैं P प्रेस करके पोजिशन ले आऊंगा और इसको सिंपली नीचे पे को ले आता हूँ कुछ इतना, और मैं सिंपली की फ्रेम लगा दूंगा पोजिशन में और थोड़ा सा आगे पे को आके मैं इसको वापिस ऊपर ले आऊंगा कुछ इस टाइप से। फिर दोनों की फ्रेम्स को पकड़ूंगा शिफ्ट के साथ और F9 प्रेस कर दूंगा, तो प्ले करके दिखाऊंगा अगर मैं जिसमें आपको तो हमारा इफेक्ट कुछ ऐसा लग रहा है। जिसमें आपको मैं थोड़ी सी फास्ट कर देता हूँ अपने कैरेक्टर की एनिमेशन को मिल जाते हैं जिसमें आपको 6000 मिल जाते हैं जिसमें आपको अभी मेरे को परफेक्ट मिल जाता है जिसमें आपको 6 मिल जाते हैं जिसमें आपको 6 तो हमारी ये बुक की कंपोजिशन स्टिल है। इसमें एक मूवमेंट देने के लिए आपको सिंपली इफेक्ट्स पैनल में चले जाना है और यहाँ पे विगल सर्च कर लेना है, फिर आपको विगल पोजीशन को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है इस बुक स्लाइड में और यहाँ से आपको विगल अमाउंट को कर देना है 10। फिर आप प्ले करके देखोगे जिसमें आपको 6000 से ज्यादा लोगों तो आप देख सकते हो इसमें एक मूवमेंट आ चुकी है। आप इसके अमाउंट को बढ़ा भी सकते हो अगर आपको ज्यादा मूवमेंट चाहिए तो। मेरे को 10 में परफेक्ट लग रहा है तो मैं 10 में ही रहने देता हूँ। मैं 6000 प्लस को थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, मैं P प्रेस करूंगा कुछ इतना, तो अभी मेरे को परफेक्ट लग रहा है जिसमें आपको 6000 से ज्यादा लोगों से। तो अब हम अली अब्दुल के इस टेप टेक्स्ट इफेक्ट को बनाने वाले हैं। इसको बनाने के लिए आपको सिंपली एक टेप की PNG चाहिए होगी कुछ इस टाइप की, फिर इसको अपने प्रोजेक्ट में इम्पोर्ट कर लेना और इसको मैं अपनी बुक स्लाइड वाली लेयर के ऊपर रख देता हूँ और इसको मैं आगे पे को मूव कर लेता हूँ। तो मेरे को ये वाला इफेक्ट यहाँ से स्टार्ट करना है तो मैं सिंपली इसको यहाँ पे रख देता हूँ और मैं एस प्रेस करके इसको छोटा कर लेता हूँ थोड़ा। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि आपको 6000 से ज्यादा लोगो सिंबल और टाइपोग्राफी मिल जाते हैं, तो मैं 3 टेप लगाऊंगा जिसमें मैं पहले मैं लोगो लिखूंगा फिर सिंबल और फिर टाइपोग्राफी। तो मैं कंट्रोल T प्रेस करके टेक्स्ट लिख देता हूँ अपना और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लोगो। फॉन्ट में यूज करने वाला हूँ मॉम्स टाइप राइटर और मैं इसका कलर ब्लैक कर लेता हूँ और इसके साइज को छोटा कर लेता हूँ कुछ इतना। फिर मैं टेक्स्ट में R प्रेस करूंगा और इसको अपने टेप के हिसाब से रोटेट कर लूंगा और P प्रेस करके इसको मिडिल में ले आऊंगा। तो हमारा टेक्स्ट कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इस टेप को एनिमेट करने के लिए आपको सिंपली इफेक्ट्स पैनल में चले जाना है और यहाँ से सर्च कर लेना है CC पेपर टर्न और इसको अपनी टेप वाली लेयर में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। फिर आपको थोड़ा सा आगे जाना है जहाँ आपका इफेक्ट खत्म हो और वहाँ पे फोल्ड पोजिशन में की फ्रेम लगा देना है। फिर स्टार्टिंग में आ जाना है जहाँ से इफेक्ट स्टार्ट हो और आपको यहाँ पे एक आइकन दिख रहा होगा, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। इस आइकन से आप इस आइकन से इस टेप को कहीं भी एनिमेट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो मैं सिंपली इसको फ्रेम के बाहर ले जाने वाला हूँ कुछ इस टाइप से। फिर मैं वापस अपने नॉर्मल स्क्रीन साइज में आ जाता हूँ तो आप देख सकते हो हमारा टेप कुछ इस टाइप से आ रहा है। फिर मैं अपनी टेक्स्ट वाली लेयर को यहाँ से स्टार्ट करूंगा और इस टेक्स्ट में भी एक इफेक्ट डाल देना है CC टाइपराइटर। आपको इफेक्ट्स पैनल में आके टाइपराइटर सर्च कर लेना है और इसको अपने टेक्स्ट में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। तो अभी मैं आपको प्ले करके दिखाऊं 6000 से ज्यादा लोगो सिंबल टाइपोग्राफी। तो हमारा टेक्स्ट बहुत स्लो आ रहा है, इसकी एनिमेशन फास्ट करने के लिए आपको सिंपली इस एरो में क्लिक कर देना है यहाँ से टेक्स्ट में। फिर आपको एनिमेटर 1 दिखेगा, इसके एरो में क्लिक करके यहाँ पे रेंज सिलेक्टर में आप देख सकते हो 2 की फ्रेम्स बने हुए हैं। तो आपको जहाँ इफेक्ट एंड करना है सिंपली वाले की फ्रेम को वहां रख देना। तो आप देख सकते हो 6000 से ज्यादा अब हमारी एनिमेशन फास्ट हो चुकी है 6000 से ज्यादा लोगों से। तो हमारा टेप और टेक्स्ट थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो जा रहा है, इसको मैं थोड़ा सा पीछे खिसका देता हूँ कुछ इतना 6000 से ज्यादा लोगों से। और मैं इस एरो से इसको बंद कर देता हूँ। फिर आपको क्या करना है, आपको अपने टेक्स्ट वाले पिक्विप आइकन को पकड़ना है और इस PNG में ड्रैग कर देना है। तो आप अपने टेप को जहाँ भी मूव करोगे आपका टेक्स्ट भी साथ में मूव होगा। फिर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल D प्रेस करके डुप्लीकेट कर लूंगा और मैं ये PNG को इस टेक्स्ट के नीचे रख देता हूँ। फिर मैं कंट्रोल T प्रेस करूंगा और इस लोगो को कर देता हूँ सिंबल्स और इसको R प्रेस करके इसकी रोटेशन सही कर देता हूँ, ये थोड़ा बिगड़ गया है, और P प्रेस करके इसको मिडिल में ले आऊंगा। फिर मैं अपनी टेप वाली लेयर को पकड़ूंगा और R प्रेस करूंगा और मैं इसको भी थोड़ा रोटेट कर लेता हूँ कुछ ऐसा, और S प्रेस करके इसको थोड़ा सा छोटा या बड़ा कर लेता हूँ मैं इसको कुछ इतना। फिर अब मैं इस टेप का कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इफेक्ट्स पैनल में चले जाऊंगा और मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ टिंट और इसको अपनी टेप वाली PNG में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। फिर मैं व्हाइट वाले कलर को सिलेक्ट करके रेड कर दूंगा। तो आप देख सकते हो हमारे टेप का कलर चेंज हो चुका है। और जहाँ पे मैं सिंबल बोल रहा हूँ मैं सिंपली इन दो लेयर को
वहीं पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। तो अभी हमारा इफेक्ट कुछ ऐसा लग रहा है। फिर मैं इन दोनों की एक और कॉपी बना लूंगा कंट्रोल डी प्रेस करके, और सेम ये पीएनजी वाली लेयर को टेक्स्ट के नीचे रख दूंगा और इस सिंबल को पकड़ के कंट्रोल टी प्रेस करूंगा और टाइपोग्राफी लिख दूंगा। फिर मैं इसको एस प्रेस करके इसका साइज छोटा कर लूंगा थोड़ा, और पी प्रेस करके इसको मिडिल में ले आऊंगा। फिर मैं याले टेप का कलर वापिस नॉर्मल करना चाहता हूँ, तो मैं इसे टिंट डिलीट कर दूंगा और इसको आर से रोटेट करके ऐसा कर दूंगा कुछ, और स्केल से इसको छोटा कर दूंगा थोड़ा, और मैं इसको भी थोड़ा आगे को खिसका दूंगा। तो अब मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ हमारा इफेक्ट कुछ हजार ऐसा लग रहा है। लोगो, सिंबल, टाइपोग्राफी और भी बहुत कुछ देख। तो मैं कंट्रोल एस प्रेस करके फाइल सेव कर लेता हूँ। फिर मैं वापिस यहाँ पे से चाहता हूँ कि मेरा सब्जेक्ट ऊपर पे को आए, जो हमने पहले भी करा था। जैसे हमने यहाँ पे करा है, सेम ऐसा ही इफेक्ट मैं यहाँ पे भी क्रिएट करने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं अपनी वीडियो को सबसे ऊपर ले आता हूँ, और मैं इसकी कंट्रोल डी प्रेस करके कॉपी बना लूंगा, और मैं अपनी स्क्रीन में डबल क्लिक कर लेता हूँ। फिर यहाँ से रोटो ब्रश सिलेक्ट कर लूंगा और अपना सिलेक्शन बना लूंगा। तो मेरा सिलेक्शन बन चुका है। फिर मैं इसको लास्ट फ्रेम में आके ट्रैक कर लेता हूँ। तो इस बार हमारी वीडियो में कम फ्रेम है, तो ये थोड़ा जल्दी कर लेगा। तो इसने ट्रैक कर लिया है, मैं सिंपली फ्रीज में क्लिक कर देता हूँ। तो हमारा रोटो फ्रीज हो चुका है। मैं वापस अपने कंपोजिशन में चले जाता हूँ। तो मैं सेम बेसिक की फ्रेम लगाने वाला हूँ। मैं अपनी बैकग्राउंड वाली लेयर को हाइड कर लेता हूँ, और मैं स्टार्टिंग की फ्रेम में चले जाऊंगा और थोड़ा सा आगे आके एक की फ्रेम लगा दूंगा पोजीशन में। फिर स्टार्टिंग की फ्रेम में आऊंगा और सिंपली इसको नीचे ड्रैग कर दूंगा। फिर दोनों की फ्रेम्स को पकड़ूंगा और F9 प्रेस कर दूंगा, और भी बहुत कुछ देखने। तो ये बहुत फास्ट एनिमेशन हो रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा की फ्रेम्स को आगे खिसका देता हूँ। और भी बहुत कुछ देखने को। तो अभी मेरे को परफेक्ट लग रहा है। तो ऐसे ही मैं बैकग्राउंड में ओपेसिटी में की फ्रेम लगा दूंगा। तो मैं टी प्रेस करूंगा और मैं यहाँ पे की फ्रेम लगा के 0 कर देता हूँ, और थोड़ा सा आगे जाके मैं इसको 100 कर देता हूँ। फिर इन दोनों की फ्रेम्स को पकड़ के भी F9 प्रेस कर दूंगा, और इस लेयर को मैं अनहाइड कर देता हूँ। फिर मैं आपको प्ले करके दिखाऊं, और भी बहुत कुछ देखने को मिल। तो कुछ ऐसा इफेक्ट बन रहा है हमारा। तो मैं इन दोनों की फ्रेम्स को कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी से, और मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। फिर मैं राइट क्लिक करूंगा, की फ्रेम असिस्टेंट में जाके टाइम रिवर्स की फ्रेम में क्लिक कर दूंगा। फिर मैं इन दोनों की फ्रेम्स को भी कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ आके पेस्ट कर देता हूँ, और राइट क्लिक की फ्रेम असिस्टेंट टाइम रिवर्स की फ्रेम। काफी और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाता है। तो इस बार मैं अपने सब्जेक्ट को पूरा नीचे नहीं ले जाने वाला हूँ। मैं सिंपली अलग की फ्रेम सिलेक्ट करूंगा और मैं इसको कुछ इतना ऊपर ले आता हूँ, और मैं यहाँ तक इन सारी टेप वाली और बुक वाली लेयर के इफेक्ट को खत्म कर दूंगा। तो मैं सिंपली कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करके डिलीट कर दूंगा एक्स्ट्रा पार्ट को। मैं सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल शिफ्ट डी और डिलीट। तो अब हमारा यहाँ पे बैकग्राउंड खाली हो चुका है। तो अब मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाता है, इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को। हमारे इफेक्ट कुछ ऐसा लग रहा है। तो इसके बाद हमारी वीडियो दूसरी वीडियो है, तो इसको भी मैं ऊपर ले आता हूँ। मैं इन दोनों वीडियो को ऊपर ले आता हूँ। तो हमारी लास्ट की फाइनल वीडियो ही है, तो हमें इसको भी रोटो करना पड़ेगा ताकि इसके बाद इस सेम पोजीशन में हमारी यारी वीडियो भी रहे। तो इसके लिए मैं इसकी कंट्रोल डी प्रेस करके कॉपी बना लेता हूँ, और मैं स्क्रीन में डबल क्लिक कर लेता हूँ। फिर रोटो ब्रश को सिलेक्ट करके अपना सिलेक्शन बना लूंगा। फिर मैं पहले फ्रेम में चले जाता हूँ, और सेम ऐसा ही लास्ट फ्रेम में भी चले जाता हूँ। तो ये ऑटोमेटिक ट्रैक कर लेगा आगे पीछे। तो मेरी वीडियो रोटो हो चुकी है। अब हम अपनी कंपोजिशन में वापिस चलते हैं, और मैं यारी की फ्रेम को कॉपी कर लूंगा कंट्रोल सी से, और यहाँ पे पोजीशन में आके मैं की फ्रेम लगा के इसको पेस्ट कर दूंगा। तो अब हमारी वीडियो आप देख सकते हो यहाँ से नीचे आएगी। एक मिनट, मैं इस बैकग्राउंड को हाइड कर देता हूँ। तो हमारी वीडियो यहाँ से नीचे पे को आएगी, और आप देख सकते हो ये दोनों वीडियो मर्ज हो चुकी है। तो ये चलती ही रहेगी आगे को। बहुत कुछ देखने को मिल जाता है, जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और आप इंस्पायर हो सकते हो। अगर तो यहाँ पे मैं वापस दो PNGs को ऐड करने वाला हूँ, तो मैं उनको इंपोर्ट कर लेता हूँ, इसको और इसको। फिर मैं वापस एक न्यू कंपोजिशन बना लूंगा और उसको नेम दे देता हूँ एंड PNGs, और मैं इन दोनों को इंपोर्ट कर लेता हूँ। फिर मैं दोनों को सिलेक्ट करके एस प्रेस करूंगा और इनके साइज को छोटा कर लेता हूँ, और मैं पी प्रेस करके इनको अलाइन कर देता हूँ। फिर मैं वापस अपनी मेन कंपोजिशन में चले जाता हूँ, और मैं याली कंपोजिशन सर्च कर लेता हूँ, और इसको सबसे ऊपर वाली लेयर में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। फिर मेरे को जहाँ से ये इफेक्ट स्टार्ट करना है वहाँ पे इस लेयर को रख देता हूँ। तो मेरे को स्टार्ट करना है यहाँ से। फिर मैं वापस इस कंपोजिशन में जाके पेपर जैम प्लगइन को वापस ले आता हूँ, और इसमें मैं सेकंड वाले इफेक्ट को यूज करने वाला हूँ दोनों PNGs में। तो मैं लेयर की स्टार्टिंग में चले जाता हूँ, और यहाँ से कंप्लीट में की फ्रेम लगा के इसको कर देता हूँ 100, और थोड़ा सा आगे आके 1 सेकंड में मैं इसको कर देता हूँ 0। सेम ऐसे ही मैं सेकंड वाली PNG में भी सेकंड वाला इफेक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ, और कंप्लीट में की फ्रेम लगा के कर देता हूँ 100,
स्टार्टिंग में 100 और 1 सेकंड में आके 0। तो मैं पी प्रेस करके इनको थोड़ा सा अलाइन कर लेता हूँ और एस प्रेस करके इनके साइज को थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ। तो अगर मैं आपको प्ले करके दिखाऊं, बहुत कुछ देखने को मिल जाता है जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप इंस्पायर। तो एनिमेशन थोड़ी स्लो रही है, इनको फास्ट करने के लिए मैं की फ्रेम्स को पास पास ले आता हूँ थोड़ा। फिर ऐसे ही सेकंड वाले इफेक्ट में भी मैं इस की फ्रेम को पास में ले आता हूँ थोड़ा। तो अब प्ले करके दिखाऊं जाता है जिनसे आपको बहुत कुछ, तो अब ये इफेक्ट सही हो रहा है आता है जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप इन। तो मैं यहाँ पे इस इफेक्ट को वापस रिवर्स करने वाला हूँ। तो मैं कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ और कंट्रोल पी से पेस्ट कर देता हूँ और राइट क्लिक करके की फ्रेम असिस्टेंट टाइम रिवर्स की फ्रेम। फिर ऐसे ही सेकंड वाली लेयर में भी दोनों की फ्रेम्स को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी राइट क्लिक की फ्रेम असिस्टेंट टाइम रिवर्स की फ्रेम देखने को मिल जाता है जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप। और मैं इसमें भी विगल इफेक्ट को डालने वाला हूँ। तो मैं सर्च कर लेता हूँ विगल। तो मैं यहाँ से विगल पोजीशन को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। फिर मैं यहाँ से विगल अमाउंट को कर देता हूँ 10 जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं यहाँ पे पोजीशन में की फ्रेम लगा देता हूँ और थोड़ा सा आगे लाके मैं इस इफेक्ट को नीचे पे को ले आऊंगा और मैं इस कंपोजिशन को अपनी वीडियो के नीचे रख देता हूँ ताकि ये इफेक्ट यहाँ से दिखे ना। तो ये इफेक्ट हमारा कुछ ऐसे लग रहा है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप इंस्पायर। दोनों को सिलेक्ट करके मैं F9 प्रेस कर देता हूँ। तो अब हम इस फेमस अली अब्दुल के टेक्स्ट इफेक्ट को बनाने वाले हैं। इसको बनाना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपको सिंपली कंट्रोल टी प्रेस करके टेक्स्ट लिख लेना है अपना और अपना फॉन्ट चेंज कर लेना है। इस बार हम यूज करने वाले हैं ज़ेरोग्राफी। यहाँ से आप कलर व्हाइट कर लेना और साइज को इंक्रीज कर देना। तो मैं इसमें पी प्रेस करके पोजीशन ले आता हूँ और इसको मिडिल में ले आता हूँ कुछ इस टाइप से। और मैं अली लेयर को सबसे ऊपर ले आता हूँ और इसको वहां तक छोटा कर देता हूँ जहाँ से मेरे को इफेक्ट स्टार्ट करना है जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप। तो मेरे को इफेक्ट यहाँ से स्टार्ट करना है। फिर आपको इफेक्ट्स पैनल में चले जाना है और सर्च करना है स्पिन इन बाय करेक्टर। फिर इसको अपने टेक्स्ट में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना और आपको स्टार्टिंग की फ्रेम में आ जाना है। फिर इस एरो में क्लिक कर देना है यहाँ से टेक्स्ट में और यहाँ से एनिमेटर 1 में। तो आपको यहाँ पे 2 की फ्रेम दिख रहे होंगे। ये आपके टेक्स्ट की स्पीड है, इसको आप कम ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो। आपको सिंपली रेंज सिलेक्टर में क्लिक कर देना है और आप इन की फ्रेम्स को एडजस्ट कर सकते हो। तो आपको मेन चीज का ध्यान ये रखना है कि आपका टेक्स्ट आप देख सकते हो ये स्क्रीन के अंदर ही है, यहाँ से आपका टेक्स्ट ऊपर को जा रहा है। तो इसको स्क्रीन के बाहर करने के लिए आपको सिंपली पोजीशन दिख रहा होगा, इससे इसको स्क्रीन के बाहर कर देना। फिर यहाँ पे आपको रोटेशन दिख रहा होगा तो इसको 10 से कर देना 1 और फिर आप प्ले करके देखोगे को मिलेगा और आप इंस्पायर हो सकते हो। तो आपका ये टेक्स्ट इफेक्ट रेडी हो चुका है। ये थोड़ा स्लो रहा है तो इसको फास्ट करने के लिए इन की फ्रेम्स को एडजस्ट कर लेना। सीखने को मिलेगा और आप इंस्पायर। फिर दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके आप F9 भी प्रेस कर सकते हो। सीखने को मिलेगा और आप इंस्पायर हो सकते हो। फिर हमारी ये लास्ट वीडियो बच जाती है। इस पार्ट में बोल रहा हूँ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। इसमें भी हम सेम इफेक्ट डालने वाले हैं। मैं सिंपली इस एरो को बंद कर देता हूँ और अपनी वीडियो को सबसे ऊपर ले आता हूँ। फिर कंट्रोल डी प्रेस करके इसकी कॉपी बना लूंगा और अपनी स्क्रीन में डबल क्लिक करके रोटो प्रेस सिलेक्ट करके अपना सिलेक्शन बना लूंगा और मैं सेम पहले की फ्रेम में चले जाऊंगा और ऐसे अपनी वीडियो के लास्ट फ्रेम में चले जाऊंगा। तो हमारी वीडियो रोटोस्कोप हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे भी सेम इफेक्ट डालने वाला हूँ तो मेरे को वापिस एनिमेट करने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपली इनकी फ्रेम को सिलेक्ट कर लूंगा और इनको कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी और यहाँ के कंट्रोल वी कर दूंगा। फिर मैं ऐसे यहाँ पे पी प्रेस करूंगा और इनकी फ्रेम को कॉपी कर लूंगा। मैं इस वाले की फ्रेम को सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे आके सेम कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा। तो हमारा इफेक्ट अभी कुछ इस टाइप का बन रहा है और मैं यहाँ से इस टेक्स्ट को डिलीट कर दूंगा कंट्रोल शिफ्ट डी डिलीट। तो अगर मैं आपको प्ले करके दिखाऊं तो हमारी रील ऐसी लगेगी। सीखने को मिलेगा और आप इंस्पायर हो सकते हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है तो फॉलो कर लेना। तो मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ जो भी मेरी रील का आगे एक्स्ट्रा पार्ट है। तो मैं कंट्रोल एस प्रेस करके सेव कर लेता हूँ। तो हमारी पूरी रील एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब बस 2 चीजें बची है, साउंड इफेक्ट और दूसरा बचा है ये व्हाइट वाला टेक्स्ट इफेक्ट। तो ये व्हाइट वाला टेक्स्ट इफेक्ट बनाने के लिए मैं बहुत ही इजी तरीका बताने वाला हूँ। उससे पहले हम साउंड इफेक्ट कर देते हैं। तो हम साउंड इफेक्ट डालेंगे प्रीमियर प्रो में, या आप चाहो तो आफ्टर इफेक्ट में भी कर सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको प्रीमियर में ही करना है। तो आप देख सकते हो मैंने बेसिक साउंड इफेक्ट कर लिया है। मैं आपको प्ले करके सुना देता हूँ।
और मैंने इस वीडियो में जितना भी साउंड इफेक्ट यूज किया है मैंने वो सेम यूट्यूब वाले फोल्डर में दे दिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये SFX नाम से फोल्डर होगा, यहाँ पे मैंने सब कुछ दे दिया है जितना भी कुछ यूज किया था। फिर मैं इस वीडियो के लिए एक नॉन कॉपीराइट म्यूजिक यूज करने वाला हूँ, सेम मैं उसी फोल्डर से ले लेता हूँ SFX में जाके। फिर मैं सिंपली इसमें डबल क्लिक करूंगा और मैं इसका सिलेक्टेड पार्ट ले आऊंगा। तो ये मेरे को स्टार्टिंग से ही ठीक लग रहा है तो मैं स्टार्टिंग से ही ले आता हूँ और मैं सिंपली यहाँ पे आके इसको कट कर दूंगा। तो इस बैकग्राउंड म्यूजिक के वॉल्यूम को मैं थोड़ा कम कर दूंगा और मैं सिंपली पी प्रेस करके पेन टूल ले लूंगा, यहाँ पे एक पॉइंट लगा के इसकी ऑडियो को फेड आउट कर दूंगा। तो ऐसे ही मेरे को जिस भी साउंड की वॉल्यूम ज्यादा लग रही थी तो मैंने उसको कम कर दिया है। तो अब फाइनली बच चुका है खाली व्हाइट टेक्स्ट। इस व्हाइट टेक्स्ट को इजीली कैसे बनाना है चलो देखते हैं। आपको सिंपली ब्लिंक ऐप ओपन कर लेना है। तो आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो पेड ऐप है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो इसका पुराना वाला वर्जन है आप देख सकते हो, ये बोल रहा है न्यू अपडेट अवेलेबल, तो मैंने अपडेट नहीं किया है। और इसके जो पहले वाले वर्जन है वो अभी भी फ्री है, तो अगर आप इसको अपडेट नहीं करोगे तो ये कम्प्लीटली फ्री चलेगा। और अगर आपने अपडेट कर दिया है तो उसको अनइंस्टॉल कर देना और गूगल से आप इसका पुराना वाला वर्जन डाउनलोड कर लेना। तो आपको सिंपली प्लस आइकन में क्लिक कर लेना है, फिर ऑटो कैप्शन में, और यहाँ से अपनी वीडियो सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको जनरेट कैप्शन में क्लिक कर देना है और फिर ये प्रोसेस होने लग जाएगा। तो अगर आप इसके पुराने वाले वर्जन को यूज करोगे तो एक चीज का ध्यान रखना कि आप प्ले स्टोर में जाके ऑटो अपडेट एप्स को ऑफ कर देना, नहीं तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा आपका और फिर ये वापस पेड हो जाएगा। तो प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे स्टाइल में क्लिक करना है और आप यहाँ लास्ट में देख सकते हो आपको यहाँ पे व्हाइट वाला टेक्स्ट दिख जाएगा। फिर आप इसको सिलेक्ट कर लेना, फॉन्ट में आके आप यहाँ नीचे पे को मोंटसेरात दिख रहा होगा इसको क्लिक कर लेना। फिर आपको स्टाइल में आ जाना है और यहाँ मैक्स कैप्शन लाइन से इसको 1 कर देना। फिर आप देख सकते हो हमारा टेक्स्ट कम्प्लीटली बन चुका है और इसको आप अपने हिसाब से पूरा कस्टमाइज कर सकते हो, कलर या आपको सेम रखना है तो आप इसको सेम रख सकते हो। फिर आपको सिंपली यहाँ पे आ जाना है और आपको एडिट टेक्स्ट में क्लिक कर लेना है। फिर आप अपने टेक्स्ट को टैली कर लेना, इसने ऑटोमेटिकली सही सबटाइटल्स लिखे हैं या नहीं। और आपको जिस एरिया में टेक्स्ट नहीं चाहिए होगा सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करके आप यहाँ से टेक्स्ट को डिलीट कर दोगे तो उस पार्ट से आपका टेक्स्ट गायब हो जाएगा। तो अब मेरे को अपना टेक्स्ट परफेक्ट लग रहा है और मैं सिंपली एक्सपोर्ट में क्लिक कर दूंगा। फिर अब मेरी वीडियो एक्सपोर्ट होने लग गई है और मैं आपको अपनी फाइनल वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। अगर आप लोगो डिजाइनर हो तो ये बुक आपको जरूर लेनी चाहिए। बुक का नाम है लोगो मॉडर्निज्म। इस बुक में आपको 400 से भी ज्यादा पेजेस देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको 6000 से ज्यादा लोगो, सिंबल, टाइपोग्राफी और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाता है, जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप इंस्पायर हो सकते हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है तो फॉलो कर लेना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, आई होप यू लाइक इट। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना विजुअल्स बाय ललित को। और एक इंपॉर्टेंट बात, मैंने अली अब्दुल की एडिटिंग के ऊपर जितने भी YouTube में बेस्ट वीडियोस हैं उनके भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए है, तो आप जाके वो भी देख सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले ओके बाय।